सभापति महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक महत्वपूर्ण विषय में भारत सरकार का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं आपका माध्यम से। महात्मा गांधी जी का 150 साल का अभी पालन हो रहा है देश भर में, इसके लिए एक बहुत बड़ा कमिटी बना है एंड बहुत पैसा भी बजट रखे हैं। महात्मा गांधी का एक स्पेशल अट्रैक्शन था उड़ीसा के लिए। 1921 से 1946 तक महात्मा गांधी जी ने 8 बार उड़ीसा गए हैं, 69 डेज उड़ीसा विजिट किए हैं। और इस सिलसिले में गोपबंधु दास जी, जिसको कि उड़ीसा के गांधी बोलते हैं, वो उसका साथ ठहरे। पहले बार महात्मा गांधी जी 23 मार्च 1921 में काठाजोड़ी नदी तट पर एक बहुत बड़ा सभा किए थे, जिसमें महिलाएं संख्या सबसे ज़्यादा था। उसको देख के महात्मा गांधी जी इतना खुश आश्चर्य हुए थे एंड महिलाओं भी गांधी जी से प्रभावित होकर भारत की आज़ादी के लिए भारी मात्रा से अपने गाने दान किए थे। उसके बाद गांधी जी ने छुआछूत का पदयात्रा किए थे। गांधी जी ने खादी ओडिशा भारत का खादी स्टोर बना। गांधी जी का गरिमामय उपस्थिति में उत्कल गोपबंधु दास के नेतृत्व में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, तो मांग है गांधी सर्किट मेमोरी पार्क, गांधी वॉक इन ओडिशा बनना चाहिए और गोपबंधु गांधी जी का जॉइंट स्टैचू कटक में बनना चाहिए।